क्या इस बार बिग बॉस का गेम अक्षरा सिंह पवन सिंह के नाम पे खेलेंगी? तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है माजरा और क्यों इतना विरोध हो रहा है इस बार OTT प्लेटफॉर्म पर बिग बॉस का। पहले तो आपको बता दें कि बिग बॉस में बहुत सारे प्रतिद्वंद्वी आ रहे हैं और सारे कॉन्ट्रोवर्सियल आ रहे हैं, यानी कि जितने भी कॉन्टेस्टेंट होंगे सभी का बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है, तभी वो इस बार आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार बिग बॉस का जो शो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूडिटी को प्रमोट करेगा, या यूं कह लें कुछ ज़्यादा ही एरियोटिक होगा, यानी कि ज़्यादा ही उसमें खुल्लम खुल्ला चीज़ें दिखाई जाएंगी। तभी तो आप सभी जानते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी चीज़ आती है तो उस पर सेंसर का कोई भी पचड़ा नहीं होता है, यानी कि सेंसर बोर्ड की कोई भी नियम OTT प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होते हैं। ऐसे में आप वहाँ कुछ भी दिखा सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस बार जो कि ये बिग बॉस का शो OTT पे आने वाला है वो शो 16+ होगा। आप समझ सकते हैं 16+, यानी कि 16 साल के जो बच्चे होते हैं वही ये शोज़ देख सकते हैं और कोई भी नहीं देख सकता है। वैसे ऐसे में विवेक मिश्रा जो कि योगा पावर योगा टीचर हैं, उन्हें भी बिग बॉस के मेकर्स ने ऑफर किया था कि वो सेमी न्यूड या फुल न्यूड योगा करें, और ऐसे में उन्होंने ये कहा कि 50 लाख पर डे की डिमांड करने के बावजूद भी विवेक ने इस शो के लिए बाद में इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो ऐसे किसी भी शोज़ में नहीं जाना चाहते हैं जहां उनके इमेज को और भी धक्का लगे। वैसे विवेक जाने माने योगा टीचर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि विवेक के इस बयान के बाद काफ़ी लोग चौंक चुके हैं। वैसे तो बिग बॉस के OTT प्लेटफॉर्म को लेकर काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि इसे बायकॉट किया जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे कल्चर को ख़राब करती हैं, और ऐसे में अक्षरा सिंह अगर वहाँ जाती हैं तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह की बातें वहाँ की जाएंगी, जब इस शो को ही 16+ यानी कि 16 साल की उम्र से ऊपर के लोग ही देख सकते हैं, तो यहाँ कितनी एक्सपोज होंगी चीज़ें ये आप सभी समझ सकते हैं। और ऐसे में जब बिग बॉस का कॉन्ट्रोवर्सियल शो है तो अक्षरा सिंह अपना और पवन सिंह का दुखड़ा तो रोएंगी ही रोएंगी, क्योंकि बगैर इसके उन्हें पब्लिसिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। साथ ही यहाँ पर जो भी कंटेस्टेंट जाता है उनसे जुड़े जो भी विवाद होते हैं उन्हें मेकर्स खुद चाहते हैं कि वो उसे प्रमोट करें, और ऐसे में अक्षरा सिंह ज़रूर अपने जुड़े हुए विवाद को प्रमोट करेंगी और पवन सिंह का नाम फिर से बिग बॉस के घर में गूंजने वाला ही है। क्या कहेंगे आप हमारे इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।